नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की राजनीति में आरजेडी एक तरफ जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी चुनावी तैयारियों को संपन्न करने में कोई कसर छोड़ती नहीं नजर आ रही। देश भर में 70% चुनावी मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आगामी लोकसभा चुनाव में नेताओं की जुबान और भी तीखी होती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव एक तरफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जितना भी जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों न लगा ले, अब की बार उनके झूठे दांव की दाल नहीं गलने वाली। तेज प्रताप यादव का भी यही है, वह भी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस बीच सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार इस बार अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों से लोगों से झूठ बोल करके और तमाम यहां पर वोट लेने का काम किया है। इसके बदले बिहार को महंगाई और बेरोजगारी मिली है। बिहार को प्लान फैक्ट्री बनाने में बीजेपी का एक बड़ा हाथ है। पिछले 10 साल की राजनीति में बीजेपी ने जिस तरीके से उथल पुथल मचाई है, उसको देखते हुए बिहार न रोजगार के लिए कोई सोच विचार कर पा रहा है और ना ही बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य में कोई सुधार हो रहा है। इस बीच गिरिराज सिंह ने यह भी कह दिया है कि देश भर में चल रहे तमाम मदरसों को भी बंद किया जाना चाहिए, यानी कि उन्होंने लालू परिवार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिन तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि धार्मिक शिक्षा चलती रहनी चाहिए, तो वहीं पर गिरिराज सिंह का ये पलटवार कहीं ना कहीं अब आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई काफी तीखी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी प्रमुख रूप से एक दूसरे के सामने खड़ी हो चुकी है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी को यहाँ पर हाईजैक करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको हाईजैक कर लिया गया है और ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे। अब देखना ये होगा कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य दोनों बहनें चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, क्या लालू परिवार दोनों को जीत दिला पाएगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लालू परिवार की तरफ से ये फैसला किया गया है। तमाम परिवार के सदस्य ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बिहार में परिवर्तन की एक लहर चलाने की बात करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में यहाँ पर इंडिया गठबंधन कितना जो है अपना सियासी वर्चस्व बढ़ा पाता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से महज एक सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।